स्टेज पे बैठे हमारे बाहर से आए हुए मेहमान और हमारे यंग डॉक्टर्स, यहाँ पे बैठे हुए सीनियर सिटीजन्स, यंग सिटीजन्स जो अलीगढ़ के हैं और बाहर से आए हैं, कुछ इसमें मरीज भी हैं, आप सबको मैं सलाम करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि ये ज़िंदगी एक दिन की नहीं है, हमारे बाद भी लोग आते रहेंगे। अभी जो पूरे देश भर में, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टेलीविजन्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हों या हिंदी न्यूज़पेपर्स हों, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो रही हैं। और जो भी सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो वेब्स हैं, ख़ास करके न्यूज़ वेब, वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, उनका काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन है। और इसके लिए मैं बधाई देता हूँ मोदी जी को, इसलिए कि उन्होंने भी काफ़ी अपने 2014 इलेक्शन के लिए बहुत इसका उपयोग किया था, बहुत ज़्यादा, तो उससे भी इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। लेकिन अल्टीमेटली उसका फ़ायदा उन लोगों को हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के सेफ्टी के लिए, उसके सिक्योरिटी के लिए, पूरे कंट्री की आइडेंटिटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो पूरे देश में हो रहा है, इसमें दो तरह की बातें कही जा रही हैं। इसलिए कि मैं तो टीचर हूँ और मेरे दिमाग में कुछ और बातें रहती हैं, किताब की चीज़ें, तो यहाँ पर वो चलेगा नहीं। तो एक तो ये आ रहा है कि भाई जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे जो भी लोग हों, स्टूडेंट हों या गांव के लोग हों, औरतें हों, मुसलमान हों, हिंदू हों, सिख हों, जो लोग विरोध कर रहे हैं ये सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये देशद्रोही काम कर रहे हैं, ये गद्दारी का काम कर रहे हैं और ये पार्लियामेंट के का उल्लंघन कर रहे हैं। ये एक बात है जो सरकार की तरफ से है। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने किसी आदमी को कह दिया जिसने मेरा पैसा चोरी नहीं किया, मैंने कहा तुमने चोरी किया, तुम चोर हो, अब मैं कहता रहा हूँ तो वो चोर नहीं होगा क्योंकि उसने मेरा पैसा चोरी नहीं किया। लेकिन मैं कह रहा हूँ भारत जो है ये पूरे दक्षिण एशिया में, आप जानते हैं कि दक्षिण एशिया में जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, वो करीब 2/3 पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो 6 से 7 बिलियन पॉपुलेशन है और केवल इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो 1.3 बिलियन पॉपुलेशन केवल इंडिया में। फिर 7 देश हैं इसमें, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलाकर के 0.5 बिलियन से ज़्यादा, मतलब के 600-700 मिलियन वहाँ पे लोग हैं। फिर श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और अफगानिस्तान है, ये 8 कंट्री सार्क में आते हैं। मतलब ये कहने का कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है साउथ एशिया, है छोटा सा क्षेत्र, आबादी बहुत है इसकी। आप चले जाइए सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, अजरबैजान है, ताजिकिस्तान है, पूरा बेल्ट है, तुरान बोलते हैं इसको, तुरान, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत बड़ा रीजन, तेल भी है उनके पास, गैस भी है उनके पास, पॉपुलेशन बहुत कम है। पूरे यूरोप में जो आबादी है लोगों की कितनी है, 600 मिलियन अब कितने देश हैं यूरोप में, करीब 35-36 देश। इंडिया में कितना देश है, 1 देश। ये खूबसूरती है इस मुल्क की, देश की, ये मुल्क बहुत बड़ा है, इसको सोचने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए, इसे दिल लगाने के लिए बड़ा दिल चाहिए, छोटे दिल से काम नहीं चलेगा, इसको देखने के लिए 2 से ज़्यादा आंखें चाहिए और इसको समझने के लिए पूरे देश का इतिहास को समझने का जरूरत है। इसलिए कि भारत को, बहुत से भारत के लोग भारत को जानते ही नहीं। यहाँ पे 8 रिलीजन के लोग रहते हैं और एक ही रिलीजन में, एक ही धर्म में भी विभिन्नता है। जैसे जो केरला में हिंदू भाई हैं वो तमिलनाडु से अलग है, उनका कपड़ा अलग, उनका खाना अलग, उनका तिलक अलग, उनकी धोती अलग,
उसी तरह से जो कर्नाटका के हिंदू हैं वो आंध्रा से अलग हैं, उनका खाना अलग, उनकी दाल अलग, उनका इडली अलग, उनका जेस्चर अलग, ग्रीटिंग्स अलग, उनके अलग अलग देवी देवता भी, विभिन्नता है। जैसे दरभंगा के ब्राह्मीण हैं वो मछली खाते हैं, जो दूसरे ब्राह्मीण हैं वो नहीं खाते। तो इस देश में केवल एक ही धर्म के अंदर जो हिंदू धर्म है उसमें भी विभिन्नताएं हैं। जैसे मैं अभी गया हुआ था पटना, तो हमारा जो टैक्सी ड्राइवर था तो उससे बातें होने लगी, तो अब शादी की बात बताया, तो बोला मैं जात का केवट हूँ मल्लाह। अब बोला कि मैं अपर कास्ट हूँ सर, देखिए क्या बोलता है, मैं अपर कास्ट हूँ। हमका क्या मतलब? बोला कि तीन जाति होता है मल्लाह में। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कि डाइवर्सिटी जो है ये ब्यूटी है भारत की। जैसे मैं हूँ, हमारे संदीप साहब हैं, इनमें हमें कोई फ़र्क लगता है? आपको नहीं लगता है? डाइवर्सिटी भी है और कॉमननेस भी है, दोनों चीज़ें। तो उसने बताया कि मल्लाह में तीन जात, एक वो जात जो बांस बनाता है, बांस का काम करता है नदी के किनारे, एक वो जात जो मछली पकड़ता है, और एक वो जात जो नाव खेता है। तो बोला मैं नाव खेने वाला जात हूँ, हमारी बीवी जो है वो लोअर कास्ट है, वो मछली पकड़ता है। अब देखिए ये विभिन्नता है, ये ब्यूटी है। जैसे आप देखें कि एक माँ बाप के पांच बच्चे, अब पांचों पांच तरह के, अगर जोड़वा भी बच्चा है शक्ल एक तरह की लेकिन हरकत अलग होगी। एक ही अमरूद का पेड़ है, दस तरह का अमरूद है, किसी में लाल है, किसी में पीला है, किसी में छोटा साइज है, किसी में बड़ा साइज है। यही यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे 7-8 हज़ार हमारे हिंदू भाई के बच्चे पढ़ते हैं। तो बाहर में लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं, BHU में जितने मुसलमान बच्चे उससे ज़्यादा हमारे हिंदू बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं सब। तो देश में केवल ऐसी कोई राजनीति की जाए जिसमें कहा जाता है कि प्लास्टर करना, प्लास्टर एक तरह से हो बिल्कुल, तो वो देश पे नहीं हो सकता है, वो केवल टूटे हुए हड्डी पे हो सकता है। अगर देश में आप प्लास्टर करेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे जात हैं, एक ही जात के अंदर, जैसे मैंने आप एग्जाम्पल, उसी तरह से मुसलमान, और केरला में जाइए, केरला में आप जाएंगे तो वो आधा लुंगी उठा के तैयार है बाजार में। यूपी में आधा लुंगी उठाने का मतलब है कि झगड़ा होगा, यहाँ पे लुंगी नहीं पहनते, बिहार में लुंगी पहनते हैं। मतलब भारत में जानवर भी अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे बिहार में गाय है छोटे कद की, 1 किलो आधा किलो दूध देती है। आसाम में, उड़ीसा में छोटी गाय, 0.5 किलो 1 किलो दूध बस। गुजरात की गाय बहुत दूध देती है, पंजाब की गाय बहुत दूध देती है। उसी तरह से बैल हैं, राजस्थान का बैल बड़ी लंबी सींग, बिहार का बैल छोटी सींग। जानवरों में भी, फलों में है, पानी में है, पहाड़ में है। बिहार में जो है नालंदे, वो बिहार शरीफ के पास जो पहाड़ है वो वाइट पहाड़ है। अब कोई कहे कि बिहार में वाइट पहाड़ है, कोई बोले क्या बात कर रहे है। तो डाइवर्सिटी है, और ये जो डाइवर्सिटी है इसी के बेसिस पे, यही ताकत थी जिसने भारत में सारे लोगों को जोड़ा और ये अंग्रेज के खिलाफ लड़े। पहली लड़ाई थी आपके भारत की, इसलिए कि ये जो है ये भी एक लड़ाई है, लेकिन वो लड़ाई नहीं कि घोड़े बैठे हैं और वो तलवार उठा रहे, वो वाली लड़ाई नहीं है। ये वैसी लड़ाई है जो अंग्रेजों के टाइम में होती थी। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, इसलिए कि शायद आपको नहीं पता हो। जैसे आपने नाम सुना होगा बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में ये 1757 में हुआ था। अंग्रेज़ पहले कोस्टल एरिया से आए थे, बंगाल से, और बंगाल उस समय इतना रिच था कि बंगाल की इकोनॉमी यूरोपियन इकोनॉमी से ज़्यादा अच्छी थी। 1890s और 1870s में जब सूखा पड़ा था बंगाल में, तो यूरोपियन बैंक्स अफेक्टेड हो गए थे। बहुत बड़ी इकोनॉमी थी यह बंगाल की, अब वो नहीं है, उसको कॉलोनियल पावर्स ने एक्सप्लॉइट किया। तो 1757 में जब लड़ाई हुई तो उसमें जो नवाब थे वो सिराजुद्दौला थे। जब टाइम होगा तो उनको मना कर देना, बैठ जाएंगे।
तो सिराजुद्दौला के साथ दो लोगों दो तरह के लोग थे जिन्होंने साथ भी दिया और गद्दारी भी की, इसलिए कि उनके पास 50,000 की फौज थी, 50,000 में से 40,000 से 42,000 को अंग्रेजों ने खरीद लिया, तो ये हार गए। लेकिन दो तरह के लोगों ने उसका साथ दिया और दो तरह के लोगों ने गद्दारी किया। जिन्होंने साथ दिया वो हिंदू भी थे मुसलमान भी थे उसमें, और जिन्होंने गद्दारी की उसमें हिंदू भी थे मुसलमान भी थे। क्या मतलब है? मतलब है कि दोनों हाथ से ताली बजी है। इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान ऐसे रहे हैं जैसे एक घर में एक माँ के दो बच्चे। इसको टोटल लोग मानते हैं, टोटल लोग मानते हैं। बहुत सारी चीज़ों में सिमिलरिटीज़ है। अगर आप खुद आप देखेंगे, अभी आप देखेंगे ए जी नूरानी साहब की किताब है 2018 की, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो बाहर से नहीं आए, 99% सब यहीं के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो ये 1757 की लड़ाई। उसके बाद आया 1857। 1857 में जो हुआ और अभी जो यूपी में हुआ, मैं एक आपको झलक दूंगा। 1857 में पूरा देश एकजुट होकर के हिंदू मुसलमान सारे लोग, औरत मर्द, गांव शहर, अनपढ़ गंवार, पढ़े लिखे, सब लोगों ने मिलकर के रिबेलियन किया, स्ट्रगल किया, जिसको वार ऑफ फ्रीडम और फ्रीडम स्ट्रगल, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल बोलते हैं, उसको सिपाही मिटनी भी बोलते हैं, उसको रिवोल्ट भी बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुड़की जब्ती हुई वेस्टर्न यूपी में। आप अगर पुराने उर्दू मैगजीन को आप देखेंगे तो उसमें उर्दू के एडिटर होते थे जिसमें हिंदू भी होते थे, उर्दू के एडिटर उर्दू मैगजीन के, तो उसमें अंग्रेज़ों ने वहाँ पे लिस्ट हमने देखी है 1857 की, 1858 में, कि उस लिस्ट में हिंदू ज़मींदार मुसलमान ज़मींदार सबका नाम जो है लिखा गया अंग्रेज़ों ने, और कहा कि इनके पास इतनी ज़मीन है, मैंने इनके ज़मीन को ले लिया। कुड़की जब्ती हुई, जैसे इस समय आप देखेंगे कि यूपी में जो हुआ, तो सरकार ने बगैर छानबीन किए हुए, बगैर जांच पड़ताल किए हुए भेज दिया कि आपको इतना जुर्माना देना है, उसकी इंक्वायरी होती है, लीगल प्रोसेस होता है। तो ये वही था। उसी तरह से आप देखेंगे कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के पहले आज़ादी की लड़ाई में टोटल सारे लोगों ने मिलजुल के इस मुल्क को आज़ाद कराया। किस चीज़ के लिए आज़ाद कराया? आज़ादी का क्या मकसद था? हमसे तो देखने में अच्छा लगता है अंग्रेज, हमसे अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है, हमसे ज़्यादा वो पढ़े लिखे थे, हमसे ज़्यादा उनके पास ट्रेनिंग थी गाड़ी चलाना घोड़ा चलाना, हमसे ज़्यादा साइंटिफिक फ्रीडम था उनके पास। लेकिन क्यों आज़ादी चाहिए? आज़ादी इसलिए चाहिए कि हमारे पास फ्रीडम नहीं थे, हमारे पास डिग्निटी नहीं थी, हम अपने इकॉनमी का अपने से उपयोग नहीं कर सकते थे, हम मिलजुल के रहना चाहते थे, अंग्रेज हमको हमें बांटना चाहते थे, जिसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनने में करीब 3 साल लग गए। मैं जानबूझ के इस बात को बोल रहा हूँ इसलिए कि जब हमला होता है किसी चीज़ पे, तो जैसे आप किसी ने पैर पे मारा, हाथ पे मारा, पीठ पे मारा, और जब आदमी सीने पे मारता है तो बोलता है कि अब रुक जाओ, उसको पकड़ लेता है। अभी जो हालत है देश में, अगर आप शुरू से आप देखेंगे, इस देश में कानून का बहुत उल्लंघन हुआ, केवल कांग्रेस के राज में ही, उस समय बीजेपी नहीं थी, और कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर भी किया गया। आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी छवि होती थी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में, इतने अमेंडमेंट्स लाए गए, संशोधन लाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में कि रबर स्टैम्प हो गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जुडिशियल रिव्यू का बहुत पावर था, उस पर भी रोक लगाया गया, और ये रोक लगाया गया कि न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू, मतलब कोई के कोई लॉ कानून सरकार अगर बनाता है तो वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, ये देखने का काम जुडिशरी का है, जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। इस पावर को भी अमेंडमेंट ने कम किया, लेकिन अमेंडमेंट का पावर है। अगर कोई भी कानून जो सरकार बनाती है, पार्लियामेंट पास करती है,
अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो जुडिशियरी उसको निरस्त कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, और ऐसा हुआ है, बहुत सारे हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि फेज़ वन में बहुत सारी घटनाएं हुई, हिंदू मुसलमान सब चुप रहे, जैसे राइट हुए, हजारों राइट हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर किया गया, उसके बाद जो है सेंट्रलाइज केंद्रीकरण हुआ, 371 में भी जो है उसका वायलेशन हुआ, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन हुआ एक खास कम्युनिटी का, एजुकेशनल बैकवर्डनेस आया, बहुत सारी चीज़ें हुई, बम ब्लास्ट हुए 2001 से लेकर 2013 तक, करने वाले कोई और थे, उसमें से कुछ लोग पार्लियामेंट भी चले गए, कुछ लोग विचार मंच के नेता भी हो गए, करकरे ने तो 4000 पेजेस में जो चार्जशीट बनाया था तो उसमें तो नाम है, हमारे यहाँ भी कुछ लोग जाते हैं उनका पैर पूजन के लिए या आशीर्वाद लेने के लिए। बहरहाल ये हुआ 2014 तक का फेज, सब लोग चुप रहे, बर्दाश्त, इसलिए कि जो भारतीय होते हैं, भारत के लोग, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इनका काम है ये चुप, ये बर्दाश्त करते हैं, लाइन में खड़े रहेंगे, बर्दाश्त करेंगे, बोलते नहीं, ये सबकी यही आदत है। लेकिन जब हद से ऊपर हो जाती है, पानी जब हद से ऊपर हो जाता है तो लोग बोलते हैं। अब आप देखिए कि 2014 के बाद क्या शुरू हुआ, लिंचिंग शुरू किया, लिंचिंग शुरू किया कि गौ मांस ले जा रहा मार दो, ये सोच के कि हिंदू खुश होंगे, केवल वही हिंदू खुश हो सकते हैं जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बाकी हिंदू परेशान है, क्या हो रहा है ये। कोई अगर मेरा स्टूडेंट बोले कि सर मैंने फला को मार दिया, तो मैं अगर सही टीचर हूँ तो मैं खुश हूँगा, मैं उसको पकड़ के रूम में बंद के मारूंगा, ले जाऊँगा थाने में, हो ही नहीं सकता। ये लिंचिंग शुरू हुआ, फिर लिंचिंग का वीडियो बनाया गया, ये वीडियो को दिखाया गया और कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्या है भाई, ये गौरव की बात। तो इसे जो हिंदू जो लोग थे ज़्यादातर, वो बोल नहीं रहे, चुप है, लेकिन देख रहे हैं, उनको धक्का लगा, मुसलमान को तो खैर धक्का तो लगना ही था, डायरेक्ट विक्टिम ये थे और इनडायरेक्ट वो थे। उसके बाद आप देखेंगे कि तीन तलाक का मामला आया, तीन तलाक क्यों, मुसलमान औरतों को न्याय नहीं मिल रहा, जबकि मैं बताऊं आपको कि 20 या 22 लाख औरतें हैं जिसमें 22 मिलियन या 22 लाख मुझे याद नहीं, जो बिना हस्बैंड के हैं, हस्बैंड छोड़ दिया है, उसमें से जो मुस्लिम है वो केवल 2% है उसका, उससे भी कम, 1% जो मुस्लिम औरतें हैं, 1%, उसको क्या दिखाया गया कि केवल जो तलाक का प्रॉब्लम है वो मुसलमानों का है, क्यों, फेमिनिज्म का, जस्टिस का, सेकुलरिज्म का। लेकिन जब बाबरी मस्जिद का इशू आया तो इसमें फेथ का मामला आ गया, तो तलाक को भी लोगों ने लिया कि भाई चलो ठीक है, बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद 370 आ गया। देखिए भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसी धाराएं हैं जो संविधान में अलग ताकत देती हैं किसी प्रदेश को, जैसे उसमें जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, सिक्किम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, आसाम है, इसमें आर्टिकल 370 है, 371A, 371B से लेके FHI तक है। उसके बाद शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, जिसमें शेड्यूल एरियाज की बात की गई है, जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स की बात की गई है, स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। लेकिन उन्होंने केवल जो हमला किया हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई लोगों ने, वो केवल आर्टिकल 370 पे किया, क्यों कि हमारे हिंदू भाई खुश हो जाएंगे, उनको चोट लग रही है, वो भी चुप देखते रहे कि चलो भाई ये भी हो गया। उसके बाद बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट न्यायपालिका से आने वाला था, तो भी जजमेंट आया, तो उसको भी लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, अपना जो ये भी अपना करते रहे, खुश रहे। लेकिन लास्ट में जो ये आया सिटीजनशिप बिल, ये सिटीजनशिप को इन्होंने तो पास तो कर दिया बहुमत से, इससे पूरी जनता खलबला गई, इसलिए कि पहले जो अटैक हो रहे थे वो किसी समुदाय पे हो रहे थे, वो एक स्टेट पे हो रहे थे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर पे हो रहे थे, मुस्लिम समुदाय पे हो रहे थे, या तलाक के इशू पे हो रहे थे,
ये जो सिटीजनशिप है ये देखने में तो लगता है कि मुसलमानों को इससे नुकसान होगा, मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू भाई लोग को नुकसान होगा। 6000 जातियाँ हैं नोटिफाइड, लगभग 6000, जिसमें वर्कर हैं, जिसमें बंजारे हैं, जो कहीं एक जगह नहीं रहते, जो दूर से जंगल में रहते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल हैं जिनके पास कागज अभी भी नहीं है, उनका अपना कागज नहीं, बाप और दादा का छोड़ दीजिए आप। उसी तरह से आप देखेंगे मुसलमानों के पास कागज तो ज़्यादा मिल जाएंगे, इसलिए मुसलमान जो यहाँ नौकरी नहीं मिला सऊदी चला गया, दुबई चला गया, हिंदू भाई के पास नहीं मिलेगा, वो कहाँ से लाएगा। लेकिन इन्होंने ये सोचा है कि सिटीजनशिप हम लाएंगे तो इससे भी हिंदू भाई खुश होंगे। कैसे ये पता चला? ये आपके आसाम से इन्होंने लिया। आसाम में इशू ये था, ये मान के चल रहे थे, इसलिए कि देखिए जब दिमाग, देखिए आप, मैं आपको बताऊं, आप लोग तो डॉक्टर हैं बेटा, टाइम हो तो हमें एडमिट बताना। कोई आदमी अगर जख्मी हो गया तो आप इलाज कर सकते हैं उसका, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, हार्ट अटैक हो गया, किसी का कपड़ा फट गया उसको आप सी सकते हैं, आप मकान गिर गया उसको आप बना सकते हैं। कोई आदमी गरीब हो गया वो पैसा कमा सकता है, अमीर हो सकता है, लेकिन जब दिमाग खराब हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं है उसका। ये जो सिक माइंड है, जैसे कोई किसी को अगर मारे तो मैं खुश हूँ, कि मैं का मतलब मैं पागल हूँ, पागल का मतलब ये नहीं कि ढेला मारने वाला, वो तो होता है बेचारा गरीब पागल, एक होता है सियाना पागल, समझ रहे हैं ना, सियाना पागल होता है, तो वो तो सिक माइंड है। अब सिक माइंड तो हर जगह है थोड़े बहुत, लेकिन जो ज़्यादातर जो जनता है भारत की वो सिक नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि सिटीजनशिप जो आसाम में आया उसमें ये मान के चल रहे थे कि बांग्लादेश से लोग आए हैं, ये बात सही है बांग्लादेश से लोग आए, लेकिन कौन आए हैं? बांग्लादेश 1971 में क्या बना? इस्लामिक रिपब्लिक बना, मुस्लिम देश बना। मुस्लिम देश बनेगा तो मुसलमान आएगा वहां से, कॉमन सेंस की बात है भाई, नहीं आएगा। तो ये सोचे कि मुसलमान लोग भाग के आए उधर बांग्लादेश से आसाम में, नहीं, बांग्लादेशी आए, लेकिन मुसलमान, मेरे पास जो आंकड़ा है, मैंने इस पर रिसर्च किया है करीब 7-8 साल पहले, उस समय हमारे पास जो आंकड़ा था उसमें 20 लाख बांग्लादेशी में मुसलमानों का संख्या केवल 2.5 लाख है। वो आज क्लियर हो गया, जो आपके जो वहाँ पर NRC हुआ तो उसमें ये क्लियर हो गया। अब ये मामला उलट गया, इसलिए कि हवा कुछ और बनाए हुए थे। आसाम में मामला ये है कि जो भी लोग आसाम के बाहर के हैं, चाहे वो यहाँ से गए हों, दिल्ली से गए हुए हों, या भारत के बाहर से आए हुए हों, जो आसाम के लोग हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ पे लोग रहें। तो ये जो NRC बिल है इससे आसाम में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी हंगामा होगा, वहाँ हो रहा होगा, हमारे पास उसका रिपोर्ट नहीं है। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट के, पार्लियामेंट के पास पावर है या नहीं। मैं बहुत संक्षिप्त में बोलूँगा, आप लोग यहाँ पे काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, भारत में प्रजातंत्र है, सब लोग मानते हैं, चाहे जैसा भी प्रजातंत्र हो, 4 पैर का या 2 पैर का या 1 पैर का, जिसको बोलते हैं सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, फॉर्मल डेमोक्रेसी, और क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं पारा डेमोक्रेसी, लाइट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या सिद्धांत है? डेमोक्रेसी का सिद्धांत अमेरिका से आया, किसके खिलाफ आया? एक आदमी के पास सारा पावर नहीं होना चाहिए, जैसे कोई राजा है तो जज भी है, मैजिस्ट्रेट भी है, और कानून बनाने वाला भी है, और इंसाफ करने वाला भी है। तो डेमोक्रेसी जब आता है तो उसमें 3 धड़ बनाया जाता है, न्यायपालिका, विधानपालिका और राज्यपालिका, ये जो एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और पार्लियामेंट, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। पार्लियामेंट क्यों बनाते हैं? पार्लियामेंट का क्या काम है? आप पूछेंगे तो लोग बोलेंगे पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, ठीक बात है, उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट काम है पार्लियामेंट का सरकार पे नज़र रखना, जो चौकीदार का काम होता है। चौकीदार का काम केवल ये नहीं कि नोट करना और रजिस्टर में आपसे ये करना, पूछता है कि आप कौन साहब हैं, किससे मिलना है, जो अच्छा चौकीदार होता है। तो पार्लियामेंट का काम होता है सरकार पे नज़र रखना, और जिस देश में पार्लियामेंट और सरकार अगर एक हो जाए तो डेमोक्रेसी का मतलब खत्म।
आप समझ रहे हैं, जिस देश में चाहे कोई भी देश हो, वहां पे अगर पार्लियामेंट और सरकार एक हो जाए, एक होने का मतलब कि आप सही करें गलत करें हम आपके साथ हैं, मेजोरिटी से नहीं होता। मेजोरिटी तो बनाया गया है फंक्शनल प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, काम करने के लिए। डॉक्टर के पास पूरा पावर है कि जो चाहे इंजेक्शन दे दे, बात सही है गलत, जो चाहे दवा लिख दे वो लिख सकता है, डॉक्टर है। लेकिन ये डॉक्टर को जानना चाहिए कि मैं जो इंजेक्शन दे रहा हूँ वो इसको फायदा करेगा। उसी तरह से पार्लियामेंट में मेजोरिटी से पास होता है, लेकिन पार्लियामेंट में देखना होगा कि जो कानून बन रहा है ये साधारण जनता के हित में है या नहीं, पूरा भारत के हित में है या नहीं। अगर ये पूरे भारत के हित में नहीं है, गरीब लोगों को नुकसान करेगा, कमज़ोर लोगों को नुकसान करेगा और खुद कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसमें उसका विरोध करना चाहिए। अब क्या हुआ, पार्लियामेंट में विरोध नहीं हुआ। जब पार्लियामेंट में विरोध नहीं हुआ तो ये जो बैठक यहाँ पे आप देख रहे हैं, संदीप साहब जो आए हुए हैं, ये बीमार हैं अभी, इनको खांसी है लेकिन फिर भी आ गए ठंडे में, और हमारे दूसरे जो यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं, तो इस तरह की सभाएं जो हो रही हैं ये पार्लियामेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। मैं इसीलिए ये बोल रहा था, मेरे पास तो और था बोलने को लेकिन मैं नहीं बोला। ये पार्लियामेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, ये भारत में एक तरह का एक ऐसा मूवमेंट चल रहा है ये, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो उन लोगों से देश को बचाना चाह रहे हैं, संविधान को बचाना चाह रहे हैं, वो जो संविधान को बिल्कुल स्क्रैप कर देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। मेरे पास सबूत है, उनके स्टेटमेंट्स हैं सन 2000 में, उसके पहले, कि हम ये संविधान नहीं चाहते। इसलिए कि जो ताकतें अभी हैं सरकार में, चाहे वो यूपी में हो या आपके दिल्ली में हो, भारत में, ये हमारे भारतीय संविधान में इनका नहीं है विश्वास। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये खुद बोलते हैं, ये तिरंगा भी इनको नहीं मानते, ये भगवा को मानते हैं। उसी तरह से रिजर्वेशन में भी इनका नहीं विश्वास है, उसी तरह से इनका माइनॉरिटी में भी विश्वास नहीं है, उसी तरह से ये जात पात को भी लाना चाहते हैं, उसी तरह से ये जात पात को लाना चाहते हैं। इसलिए ये जो बैठक है इसमें कोई डरने की बात नहीं है, इसको सही से कहने की बात। हम पार्लियामेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, पार्लियामेंट का रोल ये होता है, वो बताता है सरकारों को, आपने ये गलत किया, आपको नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। ये चेतावनी दे रहा है सरकार को कि सरकार ने अगर कोई गलत काम कर लिया है तो सरकार उसको वापस ले ले। लेकिन सरकार ने इसको नोटिफाई कर दिया, अब ये कानून बन गया, अब क्या होगा, अब जाएगा न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका के पास पूरी ताकत है कि कोई भी कानून अगर वो भारत की सरकार बनाती है या भारत में राज्य की सरकार बनाती है, अगर वो कानून संविधान के विरोध में है या संविधान से अलग हटके है या संविधान को क्षति करता है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी प्रिंसिपल, तो न्यायपालिका उसको निरस्त कर सकता है और ये सरकार को मानना होगा। इसलिए ये जो अभी सिचुएशन है इसमें जो पूरा जो अटैक है, ये इन्होंने गलती ये कर दिया कि केवल ये मुसलमान पे ही अगर अटैक करते, लिंचिंग विंचिंग करते तो कोई दिक्कत नहीं था, वो तो चलता रहता, कहाँ हुआ भाई, तो नेपाल वहाँ पे हो गया, राजस्थान में हो गया, वो यूपी में हो गया। ये जो इन्होंने सिटीजनशिप लाया है बिल, ये पूरे संविधान पे अटैक हो रहा है, ये सारे लोग खलबला गए हैं और आप देखेंगे कि और भी लोग आएंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कल मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, गलत बात। आप जाके गांव में देखिए, पूछिए, आप किसी औरत से पूछिए कि बताओ भी अपना पिताजी का लाओ सर्टिफिकेट, कहाँ पैदा हुए, तो बोले कि हमको क्या पता, हम तो काम करने आए 10 साल से अलीगढ़ में, हमारे पिताजी कहाँ पैदा हुए हमको नहीं पता, माँ से पूछना पड़ेगा, माँ मर गई। जो केवल इसका इशू नहीं है, इसीलिए आप लोग पूरी तरह से इसको कॉन्फिडेंस में रखें अपने दिमाग में कि ये पूरे देश की लड़ाई है। अंग्रेजों के समय में भी इतना खराब सिचुएशन नहीं था, इसलिए कि अंग्रेज हमारा पैसा लूटते थे, हमारी जागीर लूटते थे, मुसलमानों के पास कोई जागीर नहीं है, इसलिए कि मुसलमान जो हैं 90% गरीब हैं भारत में, गरीब हैं भारत में, कोई इनके पास नहीं है, केवल इनके पास सम्मान है, आइडेंटिटी है, और इनको ये पता है कि हम डेमोक्रेसी में हैं और यहाँ पे कम से कम हमारे साथ न्याय होगा। तो ये जो सरकार है
इसका जो अटैक है ये केवल संविधान पे है, अब बाकी चीज़ों को इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो सबसे निबट लिए हैं, अब केवल ये संविधान से लड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि सरकार तो खलबलाई हुई है, ये कहीं पे जेएनयू में कहते हैं लेफ्ट है, कहीं पे कहते हैं कि जो है अर्बन नक्सल है, अगर कोई हिंदू साथ देता है मुसलमान का बोलते हैं गद्दार है, मुसलमान को कहते हैं देशद्रोही है, ये सब लफाजी से काम नहीं चलेगा। जो गलत है गलत है, और पूरी जनता को ये मालूम हो गया है कि ये सरकार के पास सिवाय हिंदू मुसलमान के लड़ाई झगड़े के, गाय गोबर, लिंचिंग फिंचिंग, कश्मीर पाकिस्तान, इसके अलावा कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे इतने पेशेंट आए हैं, आप देख लीजिए उनका प्रोफाइल उठा के कि क्या हाल है, उनके पॉकेट को खोल के देख लीजिए, पॉकेट में डाल लीजिए, 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे उनके पास, 200 रुपये होंगे, 500 रुपये होंगे, 5 और 10 रुपये का खाना खाते हैं ये मरीज़ यहाँ पे। ये सरकार को चिंता नहीं है, ये बोल रहे थे कि 4% GDP है, GDP जीरो में आया हुआ है। 15 देश पूरे वर्ल्ड के 15 देशों ने आज से कई दिन पहले डिक्लेयर कर दिया कि उनके सिटीज़न भारत में नहीं जाएं, भारत की छवि आगे बहुत ख़राब हुई है। इसलिए हमारा ये अनुरोध है आप लोगों से कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, लेकिन ये अपनी बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से सही ढंग से कहने का कष्ट करें। धन्यवाद।